हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी कहवा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है सर्दियों में। सो गाइस, इसको कभी भी किसी भी टाइम आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसको अब हम बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी, तो चलिए बनाते हैं। एक मैंने ये चाय भगोना ले लिया है, इसमें मैं 2 कप पानी डालूँगी। आपको जितना बनाना हो आप उतना पानी ले सकते हैं, जितने कप बनाने हो। पानी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें केसर के धागे डाल देंगे। केसर ने देखिए कलर अपना छोड़ना चालू कर दिया है। इधर हमने अदरक कूट के रखी हुई है, इलायची को कूट के रखा है, ये लौंग है, दालचीनी और है ग्रीन टी। इसमें गाइस गुलाब की पंखुड़ी भी आप डाल सकते हैं। सो गाइस, अब हम पानी देखिए उबाल आ रहा है, तो इसमें अब हम डाल देंगे अदरक और इलायची, लौंग, दालचीनी और ग्रीन टी को नहीं डालेंगे। आप गुलाब पंखुड़ी डालनी है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। सो गाइस, 3 से 5 मिनट अच्छे से हम देखिए इसको पका लेंगे। कलर काफ़ी अच्छा सा देखिए आ गया है पानी में, तो अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी बहुत ही कम है, 1/2 टीस्पून है। और इसमें चीनी अब हम डाल देंगे और गैस कर देंगे बंद, इसको हम ढक करके रख देंगे। सो गाइस, मुझे चीनी वाली नहीं पीनी थी इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली है। ये देखिए 3 से 5 मिनट हम इसको ढक के रख देंगे और अब हम इसको छान लेंगे। ये देखिए मैं आपको कलर दिखाती हूँ, कितना अच्छा कलर आया है इसका। और गाइज ये देखिए, अब मैं 1 कप लेती हूँ और इसमें डालूँगी थोड़े से केसर के धागे। सो गाइज, केसर या हमारी ये कश्मीरी कहवा है तो इसमें केसर तो इसमें डलेगा ही डलेगा। थोड़े से बादाम मैंने ये कट करके रखे हुए थे वो डाल दिए हैं। और ये है हनी, इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसका हनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो चीनी का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, जो इसमें बादाम डला है, केसर डला है, वो सर्दियों के मौसम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि वो गर्म होता है। सो गाइज, ये देखिए अब मैंने कप में छान लिया है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, आपको एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें हनी है। और ये देखिए कलर देखिए कितना ज़्यादा अच्छा आया है इसका। और ये हमारी हेल्दी ड्रिंक एकदम रेडी है। सो गाइज, इसको कभी भी आप किसी भी टाइम पी लीजिए और सर्दी दूर भगाइए। सो गाइज, ये सर्दियों के मौसम की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है कश्मीरी कहवा। सो गाइज, इसको ज़रूर बनाइएगा और बच्चे और बड़े सभी को पसंद आएगी, उनको ज़रूर पिलाइएगा। तो गाइज, ये मेरी शहद वाली थी और अब मैं इसको चीनी वाली एक कहवा बना करके आपको बताती हूँ। सेम हमने इसमें केसर के धागे और बादाम के जो हमने पीसेस को कट करके डाला है और इसमें मैंने छान दिया है। बादाम का जो एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारे कहवा को बनाता है। सो गाइज, आप बादाम और इसमें केसर ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए कितनी ट्रांसपेरेंट दिख रही है क्योंकि ये चीनी वाला कहवा है ये हमारा। सो गाइज, आप चीनी का बनाइए, चाहे शहद का, चाहे बिना चीनी और बिना शहद के बनाइए। आप सिंपल इसको वैसे भी पी सकते हैं। सो गाइज, ये हमारी हेल्दी ड्रिंक एकदम रेडी है। तो गाइज, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं ऐसी ही हेल्दी और टेस्टी अपनी रेसिपी लाती रहूँगी और आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी। ये गुलाब की पंखुड़ी थी, ये मैंने डाली नहीं थी, आप ज़रूर डालिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी इसका फ्लेवर आएगा। सो गाइज, हमारी हेल्दी ट्रेडिशनल कश्मीरी कहवा तैयार है। आप दोनों तरह से किसी भी तरह इन्जॉय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।